हेलो फ्रेंड्स, मैं हुशिम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं बात करूंगी ये जो समर की एक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और ये इसका नाम है एलामोंडा। इसको हम बंगाली में ग्लास फूल बोलते हैं। इसकी दो कलर अवेलेबल है, एक येलो कलर होती है, एक ऐसे ब्राउन कलर में होती है और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है इसमें इसकी। और इजी टू ग्रो प्लांट है, इजी टू केयर प्लांट है फ्रेंड्स। समर में ढेर सारी फ्लावर आपको देंगी, आपके गार्डन में एकदम फ्लावर से भरा रहेंगे अगर आप इसको थोड़ी सी इसकी केयर करो, ठीक है। ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती है। नर्सरी में ये प्लांट आपको लगभग 30 से 40 रुपये में आपको मिल जाएंगे। मैंने तो इसको कटिंग से ही ग्रो किया था पिछली बार और ये एक साल पुराना प्लांट है और आप देख सकते हो कितनी भर भर के फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में फुल केयर टिप्स इसको आपको बताऊंगी। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इसको ग्रो करने के लिए आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो, आप नर्सरी से भी ला सकते हो। ये दो कलर में मिलती है, येलो कलर और ये ब्राउन कलर, ठीक है। तो आपको जो पसंद है आप लगा लो, मेरे पास दोनों कलर ही अवेलेबल है। इसको मैंने इसको अगर आप चाहो तो दो साइज़ में रख सकते हो। एक तो इसको बेल के रूप में भी आप रख सकती हो, आप इसको ऐसे मेरी तरह छोटी करके पॉट में भी लगा सकते हो। तो इसकी जो केयर है फ्रेंड्स, इस ये प्लांट अगर आप चाहो तो बहुत बड़ा भी हो जाता है। तो इस प्लांट को आप क्या करोगे, अगर ये पॉट पे लगाते हो तो पॉट थोड़ा सा, पॉट की जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा लेना, ठीक है। लगभग 14 से 16 इंच का पॉट, इससे बड़ा भी आप ले सकते हो, इसके लिए बेस्ट होती है। तो इसके लिए आप ऐसी पॉट लो, उसके बाद आती हूँ मिट्टी पे। फ्रेंड्स, इस प्लांट को गोबर खाद वाला मिट्टी बहुत पसंद है। तो 40% गार्डनिंग सॉयल, 40% वर्मी कंपोस्ट, अगर नहीं है तो आप गोबर खाद लो, अगर गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट लो, या फिर किचन वेस्ट ऑर्गेनिक खाद ही इसके लिए अच्छी होती है, तो किचन वेस्ट खाद भी आप ले सकते हो। उसके बाद अच्छी तरीके से एंटीफंगल पाउडर देके मिट्टी मिला के आप इस प्लांट को लगा दो। कटिंग अलग से ग्रो करो, ग्रो करके उसकी कटिंग जब ग्रो हो जाए तो आप इसको लगा दो। अगर नर्सरी से आप एकदम रेडीमेड प्लांट लाते हो तो इस तरीके से मिट्टी रेडी करके आप इस प्लांट को लगा दो। पॉट की जो होल है अच्छी तरीके से ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, इस बात की आप ध्यान रखना। तो आप इसको इस तरीके से लगा दो। इस प्लांट को फ्रेंड्स सनलाइट जो है वो बहुत पसंद है, तो आप इस प्लांट को वैसे जगह पे ही रखो जहाँ लगभग 4 से 5 घंटे की धूप आती हो, ठीक है। सनलाइट इसको बहुत पसंद है, अगर सनलाइट इसको नहीं मिलेगी तो इसकी प्लांट पे जो फ्लावरिंग है कम होगी और फ्लावर छोटा होगा। तो मैंने जहाँ रखा है छत पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट आती है, लगभग 3 से 4 घंटे की धूप इसको मिलती है और बहुत अच्छी तरीके से इसे फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको सनलाइट दो। आती हूँ वाटर पे फ्रेंड्स। इस प्लांट को, इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो, बहुत ज़्यादा गीला भी ना रहे, इसकी तरफ आप ध्यान रखना। अगर आप इसकी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे तो इस प्लांट पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से चलती है। और प्लांट की अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो क्या होता है, जो पत्तियाँ है वो एकदम ऐसे झुलस जाती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। मॉर्निंग की धूप में अगर आप पानी देते हो तो इसको थोड़ा सा शावरिंग कर दो, ताकि इसकी जो लीव्स है वो, मैंने सुबह मॉर्निंग को इसकी जो लीव्स है वो मैंने सब धो दिया था। तो इस प्लांट को जो है अभी बहुत, देखो लीव्स भी कितनी इसकी एकदम फ्रेश लग रही है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को लगा सकते हो, ध्यान भी रख सकते हो। आती हो खाद पे फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को खाद अगर आप एक बार बहुत अच्छी तरीके से सॉयल मिक्स मिला के इसको लगा दो तो उतना ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जब इस पर फ्लावरिंग शुरू होती है तो आप इसको क्या करो, खली का पानी दे सकते हो, अगर फ्लावरिंग चाहते हो तो बोन मील दे सकते हो, जो फॉस्फोरस पोटेशियम से भरपूर होती है वो ऐसी खाद आप दे सकते हो। साल में एक बार इसकी जो आधी पॉट की मिट्टी आप चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद आप फिर से न्यू मिट्टी मिला के, गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट ऐसे मिला के आप इसकी मिट्टी को भर दो, इस प्लांट को जो पॉट है उसको भर दो साल में एक बार, तो इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो लिक्विड खाद में आप ऐसे दे सकते हो, जो बनाना पिल की जो वाटर होती है वो दे सकते हो, ऑरेंज पिल की वाटर दे सकते हो, फुल ऑफ फॉस्फोरस पोटेशियम में भरपूर होती है दे सकते हो। आप बीच बीच में खली का पानी भी दे सकते हो, प्लांट को हेल्दी करने के लिए, इसकी लीव्स को अच्छे करने के लिए खली का पानी बहुत ही अच्छी होती है, आप दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्लांट है उसकी जो कलियाँ है वो नहीं गिरे तो बोन मील हफ्ते में एक बार जब फ्लावरिंग हो, बोन मील एक चम्मच करके आप चारों तरफ से इस प्लांट की पॉट पर आप दे दो, उसके बाद पानी दे दो, आपकी प्लांट अच्छी चलेगी, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो प्लांट की ऐसी, इस तरीके से अगर आप
जो बदल बदल के आप इसकी इसकी खाद की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आप दे दोगे तो आपकी प्लांट बुशी भी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ड अगर खाना इसको दोगे तो इसकी प्लांट की जो हेल्दी है वो हेल्दी लीव्स होगी, लीव्स बहुत अच्छी होगी, इससे बहुत सारी ब्रांचेस भी निकलेंगे और प्लांट अच्छी बुशी होगी। अगर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करवाना चाहते हो तो इस पर पोटेशियम और फॉस्फोरस बेस्ड खाना इसको दो तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। सनलाइट भी गई, वाटर भी गई, पॉट भी गई, खाद भी गई। अब आती हूँ इसकी प्रूनिंग पे फ्रेंड्स। तो इस प्लांट को जो है प्रूनिंग अगर आप चाहो, अगर आप इसको बूशी करना चाहो, देखो मेरी तरह अगर आप इसको बूशी रखना चाहते हो तो इस तरीके से आपको कट करके इसको छोटे रखो, छोटे छोटे करके रखो तो ये बूशी हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आपकी ये जैसे कि ये कलिया है ये ख़त्म होने के बाद मैं इसको यहाँ से पिंच कर दूंगी तो आपकी जो प्लांट है वो बूशी हो जाएगी। अगर बेल की तरह रखना चाहते हो तो एक सपोर्ट देके आप ऊपर की तरफ इसको चढ़ा दो तो ये बेल बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को जैसा आप चाहो वैसा ही रूप आप दे सकते हो। और देखो हवा चल रही है तो बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, इजी टू केयर प्लांट है, इजीली ग्रो हो जाती है। और अभी तो आपके पास बहुत अच्छी मौका है, अभी बारिश भी होने लगी है तो आप कहीं से भी छोटी से छोटी कटिंग भी जो सेमी उड कटिंग होती है उसको लेके आप इसको लगा दो, बालू मिट्टी में लगा दो। अच्छी तरीके से ग्रो होने के बाद, रूटिंग होने के बाद आप इसको दूसरी जगह पे पॉट पे इसको लगा दो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर बने रहिए। और अभी लॉकडाउन चल रही है तो प्लीज़ घर पर रहिए, एकदम सेफ रहिए और मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से ही आप अच्छे रहोगे अगर आप गार्डनिंग करोगे और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे और अच्छा लगता है। तो इसी बात के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।